أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكبر أَرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى <applause> كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ مخطئة فليدع ناديه سند الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ऐ मोहम्मद अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म ना था मगर इंसान सरकश हो जाता है जबकि अपने तई गनी देखता है कुछ शक नहीं कि उसको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है भला तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है भला देखो अगर ये राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा और देख तो अगर उसने दीने हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा तो क्या हुआ क्या उसको मालूम नहीं कि खुदा देख रहा है देखो अगर वो बास ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल तो वो अपने यारों की मजलिस को बुला ले हम भी अपने मौक्लाने दोजक को बुला लेंगे देखो उसका कहा ना मानना और सजदा करना और कुर्ब खुदा हासिल करते रहना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तलाो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु सल्लाम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए झुकाओ नजर बिस्फुल्ला रहमान रहीम मोहतरम नाजरीन पयाम सुब के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद फौजी नज़रात तिलावत कुरान करीम सुनने की हमने शादत हासिल की पहली वही अकरा बसम रबी खल खलकान वरबल अक्रमजी कलम के जरिए दिया और वो इल्म जो इंसान नहीं जानता था नज़रात कुरान करीम इशाद फरमाता है कि कुलहल या लमूना वल लजीना ला यामून क्या जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हो सकता है हो सकते हैं कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि अर रहमान और अलमल कुरान वो रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी कुरान का इल्म दिया आज हमारा मौजू कि कुरान करीम का नजरिए तालीम क्या है कुरान करीम कौन से निसाब तालीम की बात करता है कुरान करीम हमें क... क्या रहनुमाई फम करता है कि हर दौर के हिसाब से हर दौर की मुनासिबत के साथ क़र करीम से अपना निसाब तैयार किया जाए ताकि हम जो नस्लें आती रहें वो उससे रहनुमाई लेते ही रहें और कायनात का इस सिलसिला आगे बढ़ता रहे सवाल ये पैदा होता है कि कर्न करीम का जो नजरिया तालीम है वह है क्या और क्या वो जिस इलम की बात कुरान करीम कर रहा है वह इल्म हम हासिल कर भी रहे हैं खातिन नजरात एक नजरिया तालीम का है मगरब का वो बात करता है अकल की एक नजरिया है उस अकल का जो कि वही के ताबे होती है हम बात करते हैं उस अकल की जो वही के ताबे हो खातिन नजरात बहुत सारी गुफ्तु होगी आज के मौजू पर और इस वक्त तशीफ फरमा है हमारे साथ स्टूडियोज में मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब मोहसिन नकवी साहब बहुत मारूफ नाम है इस मुल्क का खौत हजरात लेकिन आज इस प्रोग्राम में जो एक खास हवाला है आपका वो ये कि नेशनल करिकुल कमीशन में आप मेंबर रहे और छह नसाब तैयार किए आपने इस ममलिकत के लिए खौतन हजरात इस्लामी नजाती कौंसिल के सबक रुकन है मुमताज आलिम दीन है उनके साथ तशीफ फरमाए मोतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब मुमताज आलिम दीन दौलम कराची से फारक तहसील आजकल एक ओ लेवल स्कूल है उसके आप प्रिंसिपल हैं अहद हाजिर की बसीरत पर गहरी निगाह रखते हैं प्रोग्राम का आगाज हम करना चाहेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से डॉक्टर साहब सिंपल सवाल आपकी खिदत में पहला यह कि कर्न करीम का जो नजरिया तालीम है वो क्या है कुरान करीम किस इल्म को हासिल करने की बात कर रहा है दीनी उलूम की हद तक हम गुफ्तु रखेंगे या अनफोस आफाक की बात भी कुरान करीम कर रहा है सबसे इसमें तालीम से पहले सवाल ये है कि कुरान का नजरिया इल्म क्या है एक खास बात ये है कि हमें मगरब ये बताता है या जो तहकीकत तारीख की और इसके उसके सामने लाते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि इंसान की इब्ता जो है वो जहालत और वैशियाना जिंदगी से हुई और वो फिर आता आस्ता तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँचा इस्लाम का नजरिया इल्म तालीम ये है कि पहला फर्द बशर जो इस दुनिया में भेजा गया तो वो इल्म के साथ भेजा गया कुल्ला। कि इल्म जो है असल इल्म वो है कि जो अल्लाह तबारक तला का दिया हुआ है और नौ इंसानी इब्तदा जहालत से और अंधेरे से नहीं होती नौ इंसानी की इब्ता वही इलाही और उस इल से होती है कि जो अल्लाह तला अता फरमाता है और नबी करीम सलील्ह वसलम की जो दुआ कुरान मजीद में नकल हुई है कि वह वकुल रब जिदनी कि पवरदिगार मुझे इल्म मेरे इल में इजाफा फरमाओ उसमें अगर देखें और खुद कुरान मजीद को अगर हम अल अम करार दें कि जो अल अल्म है असल इल्मन मजीद है अब उसके अगर आप कंटेंट्स पे अगर गौर करें तो अल्लाह रद बिन वला या बस ला फी किताबें मुबिन कि कुरान मजीद में, में कोई खुशकतर ऐसा नहीं है कि जो मौजूद ना हो इसमें हयातियात ले लिए नबातियात ले लिए ये ले लिए दुनिया दुनिया के लूम जो हैं उनके ऊपर बात की गई इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताली सुर रहमान में ये फरमाता है किहमान और कुरान तो इसका मतलब ये है कि वो इल्म और तालीम का एक होलिस्टिक व्यू जो है वो देना चाहता है इस दौर का हमारा ख्याल है कि अलमिया ये है कि इल्म को और तालीम को दोनों को इतने खानों में बांट दिया गया है और एक दूसरे से रब्त इस तरह से तोड़ दिया गया है कि इंसान का वर्ल्ड व्यू जो है उससे पैदा ही नहीं होता जबकि कुरान मजीद जिस बात पर जोर देता है या आप इससे पहले जो किताबें नाजन खैर अब तो वो तहरीफ शुदा हालत में हमारे पास हैं बेशतर उनमें से लेकिन ये है कि अगर आप उनको भी देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म दिया गया है तो वो कायनात का यानी फर्द का बशर का और कायनात का मजाहर फितरत का सबका बयान जो है वो उसमें मौजूद है इसका मतलब ये है कि तीन बातें हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि नजरिया है कुरान मजीद का या अल्लाह तबार को तला का वो होलिस्टिक है आफाकी हैलिस्टिक है, आफाकी है आफाकी दूसरी चीज़ ये कि नजरिए तालीम जो है वो भी इसी के ऊपर बेस करता है और वर्न मजीद की हम सुर इमरान की सोलमी आयत को यहाँ पर करना चाहेंगे जहाँ ये कहा गया कि अल्लाह ताला गवाही देता कि है कि शायद अल्लाह इल्ला हुआ कि अल्लाह ताला ये गवाही देता है कि वो उसके सिवा कोई मबूद नहीं वलमलाय तो विल कायमन बलकस्त यानी साहिबानलम को अगर उनका इल्म अल्लाह ताली की मारफत तक न पहुँचाए तो कुरान मजीद उसे ना इल्म समझता है और ना ही ऐसे लोगों को साहिबान है तो ये तो तालीम का नजरिया हो गया तीसरी जो अहम बात है वो ये कि वो ये चाहता है कि होलिस्टिक व्यू जो है आफाकी जो नजर है इंसान की वो पैदा हो तालीम के जरिए से और उसका मकसद वही है मारफत इलाही कि वो अल्लाह ताली तक पहुँचा हजरत इस्लाम से किसी ने पूछा भी या पकल की बात कर रहे थे कि अकल की तारीफ कीजिए तो आपने फरमाया कि माँ यहाद ही लल जन्ना ये वो है कि जिसके जरिए से जन्नत तक रहनुमाई होती है और उनका के जेल की तारीफ की है तो आपने फरमाया वो तो मैं कर चुका ये जो इल्म और अकल आपको अल्लाह तबारों के तला तक नहीं पहुँचाता और एक कायनाती वो जो है कि और उसका खालिक जो है उस तक का आपको नहीं पहुँचाता इस्लाम उसे इल्म भी नहीं समझता और ऐसी तालीम को भी तस्लीम नहीं करता ठीक है मुफ्ती साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं आफ़ाकियत ये दीन का तकाजा है कुरान करीम का तकाजा है कि जिस तरह आपने बात फरमाई कि हजरत आदम सलाम की हजरत आदम को अस्मा का इल्म दिया गया इस पर जरा रोशन डालिए कि एक आदम वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है और फिर आदम से लेकर सरकार दोम सलील्ला वसलम तक इल तक का तक 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 तकाजा इम की अहमियत एक तो तस्वुर इम दीन का और कर्न करीम से किस तरह हम नजरिए तालीम को डराइव कर सकते हैं इस अहद से मुनासिबत रखने के लिए देखिए डॉक्टर साहब जैसी बात बुनियादी बात जो है वो वही है कि जब आप इलम की डेफिनेशन करने जाते हैं जो अपनी आयात तिलावत हो रही थी अब अब देखिए कितनी बड़ी बात है आ, जमीन का आसमान से रिश्ता पांच सौ साल बाद कायम होने जा रहा था पांच सौ साल का जमाना फितरत गुजरा है इंसान सोच सकता था ये सवाल आ सकता था कि पांच सौ साल बाद पैल लफ्ज क्या आएगा जो पहली बात ये नहीं आई कि इबादत करो पहली बात ये नहीं आई कि अपने आप को पहचानो पहली बात मार्फत की नहीं आई पहली बात यह आई इकरा उसके साथ जो एक दूसरी चीज आई कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ो नहीं इकरा जो है वो इसम के साथ है और देखें तारीख की सबसे बड़ी सबसे खतरनाक जो हादसा है तारीख का वो ये है कि जब इलम को इसम से अलग कर दिया गया सुबह ये सबसे बड़ा हादसा है। इससे बड़ा हादसा कोई नहीं पेश आया उसका नुकसान यह हुआ कि वो इलम जो था वो खालिसतन अकल के ताबे हो गया ठीक है और जब वो इसम से अलग हो गया तो उससे मारफत तो पैदा ही नहीं तो आप इलम की अगर डेफिनेशन कुरान की नजर में लेंगे तो शायद मैं आसान तारीफ उसकी यह कहूंगा कि इलम वो है जो अल्लाह की पहचान कराता है अल्लाह की मार्फत अल्लाह की मार्फत कराए अगर उस इलम से अल्लाह की मार्फत पैदा ना हो तो, तो दूसरी तरफ आए थे ओलमा के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको मुफ्फत ने लिखा है कि उसकी वलमा की डेफिनेशन भी बन सकती है कि इन्नमा यकल्ला मैंने बाद ठीक है कि वो आलिम कौन होगा एक या आलिम का क्राइटेरिया भी हो सकता है कि खशियत क्राइटेरिया करार दी गई और एक तरफ यह भी कहा गया कि खशियत इसके बगैर आ नहीं सकती अगर अल्लाह से खशियत पैदा करनी दूसरी तरफ आप एक और चीज़ पर आएंगे कि देखें कुरान का मकसद तालीम तो पहले यह होगा कि जब जो मकसद इंसान वो हम पहले ही आप वो क्या है मखलक तुलजिन्ना वाले इंसान तो जब पिटल रोल जो है जो उसका महवरी किरदार है इस दुनिया के अंदर वो तो अब्द है ना तो अगर उस तालीम से अब्दुल्ला पैदा ना हो तो तो आप उस पिविटल रोल को यह हटा देंगे तो बाकी सारे तो इलेक्टिव रोल्स हैं ना वो तो सबके साथ सब खत्म हो जाएंगे तो सबसे पहली चीज तो यह होगी कि वो मार्फत पैदा करेगा और वो उसी वक्त होगी जब परवरदिगार के नाम के साथ पढ़ा जाएगा आपका इक्तिसाबी इलम इल्हामी इल्म के ताबे होगा उसकी अम्ब्रेला में होगा ठीक है सिंपल इस पर यह बात कि कोई भी इल्म कितनी भी तरक्की कर ले इरत मनाजिल तय कर ले वो वही के ताबे रहेगा वो इलिम उसी वक्त कहलाया जाएगा वरना वो फन है खाली सता वरना वो फन है फन है खाली सता इसी बात को लेकर आगे चलते हैं डॉक्टर साहब हम इसमें एक बात गौर करते हैं साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं देखिए कुरान मजीद की पहली वही है इस पर अगर आप गौर करें तो यहाँ इकर बिस्म्ला भी हो सकता था इकर ब इसम रब का और रब मिन तरबियत वह तरबियत इन शालन फहालन लद तमाम जो इमाम रागब इसफान ने इसकी तारीफ की कि अपने रब के नाम से पढ़ो यानी रब में तरबियत का और इर्तका का, और रुबुवियत का।, रुबुवियत का जो मफूम है कि यानी ये सिर्फ इल्म को इस तरह से हासिल करना नहीं है कि ये मेरी मिलकियत मैंने तिजोरी में एक चीज रख ली उससे मैंने दुनिया हासिल कर ली उसको कर लिया उसमें अपनी तरबियत भी है और उस तरबियत के जरिए से माशरे की तरबियत जो है वो उसमें शामिल है ठीक है मतलब ये जहाँ है तेरे लिए तू नहीं, नहीं जहां, जहां के लिए ना तू जमी के लिए है लिए ना आसमा के, के लिए जैसा इकबाल फरमाते हैं है। अब ये रुबूबियत की बात मुफ्ती साहब यदि इसका मतलब ये हुआ है कि एक इंसान जो पैदा हो रहा है और पैदा होने के बाद जिस आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि वो अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा बन रहा है अल्लाह की गुलामी में वो आ रहा है और तस्लीम और रजा उसकी सजिश का हिस्सा बन रही है या नहीं बन रही आपने यह बात फरमाई बहुत खूबसूरत बात कि जब तक कि यह इल्म वही के किताबे ना हो तो वो आर्ट है ठीक है अब हम देखते हैं कि एक मगरब मगरब इस वक्त पूरी दुनिया का जो इलमी अकीदा है वो वहां से मगरब से डांडे उसके मिल रहे हैं हमारी ममलिक, ममलिकत में भी वो इकनॉमिक्स हो पोलिटिकल साइंस हो सोशल साइंसेज हो इवन सोशल साइंसेज हो कितनी अफसोसनाक बात है कि जब तक मगरब की तरफ से एक सनत नहीं मिल जाती हमें हम आगे नहीं बढ़ पाते मगरब ने अकल की इतवा करके दुनिया को तबाही और बर्बादी की सिवा कुछ नहीं दिया आज दुनिया को क्या वही के ताबे होने की जरूरत शिद्दत से महसूस नहीं हो रही बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है देखें आप ये देखिए दोनों का फर्क जरा बात देखिए एजुकेशन जो है ना वो एक आप यू समझिए कि एक उल्टा पैरामिड है इसकी बॉटम के अंदर चंद फलसफे हैं जिसकी सतह पे ये निसाब नजर आ रहा होता है ये बुक्स ये निसाब ये सब सतही चीजें हैं बॉटम में एक फलसफा चल रहा होता है बिल्कुल एक बुनियाद है वो जो नफसियात है गुजश्ता डेढ़ सौ साल से जो मैं आपसे कह रहा हूं जो हादसा है वो तो खालिशतन सेकुलरिज्म की बुनियाद पर है ना उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह दीनियत है अल्लाह का कोई तस्वर नहीं है आखरत का कोई तस्वर नहीं है वजह तो नजर लिहाया पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ सिर्फ यह है कि यह दुनिया है इस दुनिया के अलावा कुछ नहीं है तो उसका नुकसान यह हुआ है कि आपका बिजनेस कॉलेज एक पैसा बनाने की बहुत अच्छी मशीन पैदा करता है उसका वजह उसकी क्या हुई देखिए बहुत बुनियादी बात है इंसान की तखलीक जिसम और रूह से है जब आप रूह को निकाल के बाहर कर देंगे उस रूह की जो हजरत ने बात फरमाई थी तरबियत खत्म हो जाएगी उसकी ग्रूमिंग खत्म हो जाएगी अखलाक खत्म हो जाएंगे कलबी मशा खत्म हो जाएंगे मकसदियत निकल मकसदियत जाए निकल जाए जाएगी आप इससे अंदाज लगाएं इतनी परेशानी के आलम में है कि अब जितने माहरीने अब वो लिख रहे हैं परेशान हो रहे हैं कि कल भी कैफियात के लिए तो जुबान में अल्फाज ही नहीं है ना टेक्नोलॉजी नहीं है अश्लाहत नहीं है तो कलबी कैफियात को आप उनको पता है कि इन कलबी कैफियात ना होने की वजह से डिजास्टर क्रिएट हो गए ना ऐसे अफराद पर ठीक है उनसे इख्तलाफ हो सकता। आपको जॉन हॉल्ट से इख्त हो सकता है आपको यह इख्तलाफ हो सकता है वो वो कहते हैं कि स्टेट कंट्रोल करिकुलम स्कूल्स का इजरा इंसानियत की सबसे बड़ी साजिश ये थी कि आपने जो स्टेट कंट्रोल करिकुलम लाए आपने लाजिम कर दिया कि आप चाहें ना चाहें आपने यह मजबून जरूर पढ़ना होगा आप उसके लिए आपका जहन बनाए वो आपने तो आपने सिर्फ स्किल्स डेवलप की खालि विजन की तारीफ ही आपने यह कर दी कि विजन ये होगा तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी मुआश आपने अब क्या हुआ मैं कुरान के हवाले से बताऊं पिविटल रोल जो महवरी किरदार था अब्दुल्ला वो महवरी किरदार सिर्फ ब्रेड डिनर हो गया सिर्फ हसूल मुआश एक महवरी किरदार हो गया उसका नुकसान यह हुआ मैं माजरत के साथ कहूंगा गुजश्ता सौ साल के अंदर चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो लेटेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस हो जी वर्ल्ड वॉर्स हों क्राइसिस हों कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हों ये जोहला की तकलीफ तो नहीं थी यूनिवर्सिटी hmm. ग्रेजुएट्स थे ना जी बिजनेस कॉलेज के ग्रेजुएट्स थे ना फाइनेंशियल hmm. लॉसेस की स्ट्रेटजीज बनाने वाले कोई और अफराद नहीं थे ना आपको आज जब नजर आ रहे हैं वो तो अब इस वक्त तो वो रिव्यू कर रहे हैं अपने बिजनेस कॉलेजेस के करिकुलम को कि जो चीजें हमने एज अ करिकुलम रखी थी वेदर ये चीजें इसको हमने जाना भी चाहिए था इस पर आगे क्योंकि इससे तो ग्रीट पैदा हुई ना आपको नजर आ रहा है कि उस लालच ने आपको कहां तक पहुंचा दिया उस चीजों ने क्योंकि जो इकबाल ने बात कही थी जो आप हजरात ने अभी कही डॉक्टर साहब ने कही कि देखें बुनियादी बात यह है कि अगर आप उससे वो खालिद का तस्वूर निकाल देंगे तो वो निरी हैवानियत है दरिंदगी है वो तो पर दूसरों देखें, एक बिगड़ा हुआ इंसान जितना दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाता है कोई दरिंदा किसी दरिंदे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता इंसानियत तो आती ही अल्लाह की मार्फत अखलाकियत रूहानी से बिल्कुल और, ये इल्म, वो और इल्म जो वही का जो हो, वही के वो अंदर के जानवर को इंसान बनाता इन्सान। है उसकी तहजीब ग्रूमिंग करता, करता है और उसके साथ सबसे बड़ी चीज हुई कि जो है बाद एक बहुत अहम नुकता है कि देखिए अल्लाह तबारक वाल ने रब को रब सिफत लगाई है उसके साथ क्यों इख्लाफ उलूहत में तो कभी भी नहीं रहा है भला इंसान तो मन खल समाला आप तो गैर किसी से भी पूछेंगे कायनात का बनाने वाला कौन है वो कहेंगे है इख्तलाफ आता ही रबूबियत में है रुबूबियत में कायनात और... को चलाने वाला कौन है जी बनाने वाले की बात नहीं हो रही देखें कायनात जो है वो कोई ताजमहल नहीं है कि शाहजहां उसके बाद मर गया उसके बाद कोई मुंतज हो तो अल्लाह दोबारा व तआला चलाने वाले भी हैं बनाने वाले भी हैं चलाने वाले चलाने वाले भी हैं ये ग्रूमिंग डे वन से आए उसके अंदर बिल्कुल यानी गोया इल्लल्लाह को पूरी दुनिया पूरी कायनात किसी ना किसी अंदाज से मान रही है लेकिन मसला वो है कि कायनात चला कौन रहा है और ये चलाने का तरीका और ताल्लुक से जो वजाहतें आई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए आई तो गोया ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ साथ हैं इसके बगैर तो इसके बगैर चल ही नहीं सकते अच्छा ये जो बात फरमाई अभी आपने बहुत अहम बात फरमाई कि मकसदियत आपसे बेहतर डॉक्टर साहब कौन जान सकता है कि अहदाफ का तयन बहुत अहम होता है कुरान करीम मुसलमान और आलम इंसानियत को अहदाफ देता है तोहेद खालिश से जोड़ता है आपने अभी एक बात की एक मगरबी मुफक्र की एक मुफक्र गुजरे हैं माहिर तालीम बहुत मशहूर जॉन डुई अमरीकी हुकूमत ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप करिकलम बना दीजिए हमारे बच्चों के लिए जॉन डुई ने क्या खूबसूरत जुमला कहा कि आप पहले यह बता दीजिए कि आप बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं जो आप बनाना चाहेंगे मैं उस तरह का करिकलम निसाब तालीम बना दूंगा आज पूरे आलम इस्लाम में और हमारी ममलिकत जो हमारी मादर वतन है जिस पर हमारी जान कुर्बान पाकिस्तान में कभी भी निब तलीम तैयार करते वक्त ने करीम से वो उसूल निकाले जा रहे हैं जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने अभी और आपने इशारा फरमाया ताकि हमारी नस्लें तवाना बन सकें और उनके जहन में एक मकसदियत वाजे देखिए हम इस मौजू पर बात अभी करते हैं लेकिन हम पहले एक और अहम बात कहना चाहते हैं कि उलूम वही के ताबे नहीं होते वही को इल्म और इम हकीकी माना जाता है तब निजाम तालीम इस्लाम का आगे बढ़ता है जी यानी इल्म जो है वो सिर्फ वही है ूम का ताबे होने की जो तो बात यह है कि वो कहीं के कहीं जा रहे हैं और आप उनको लेकर और फिर वही के ताबे आ रहे हैं हम ये बात कह रहे हैं कि वही को बतौर इम के तस्लीम अगर कर लिया जाए तो तमाम का तमाम इल्मा तमाम उलूम के जो सोते हैं वो वही से फूट लेना चाहिए इसलिए तालीम साइंस की हो इकतदियात की हो किसी की भी हो तो उसमें इन इनूम को ताबे वही करने की जरूरत नहीं है बल्कि वही को सोस बना के इसमें से उन उनूम को निकालने की जरूरत है हम इस बात अच्छा। बात दूसरी चीज़ हम ये बात अर्ज करेंगे कि जहाँ तक आप मकसदियत की और उसकी बात कर रहे हैं कि जो नसाब तालीम बनाया जाता है अहदाफ की बात कर रहे हैं हम लोग जब निसब तालीम बना रहे थे असल में तो है कि ताली पॉलिसी क्या और आप लोगों को बनाना क्या चाहते हैं ठीक है ताली पॉलिसी कभी इस तरह से पाकिस्तान में बनी नहीं कि जहां ये हो कि नेशन बिल्डिंग जो है वो किन खतूत के ऊपर होगी जी कभी जहन में नहीं रखा गया लिहाजा करिकुलम बिल्डिंग, बिल्डिंग हाँ लिहाजा करिकुलम भी कभी नेशनल बिल्डिंग के उसके ऊपर नहीं बना ठीक है डॉक्टर साहब ये बहुत अहम मौजू और ये बहुत अहम बात आपने उठाई कि नेशन बिल्डिंग कभी <coughs> करिकलम कमीशन के सामने नहीं रहा इस ममलिकत के जो बड़े तालीमी पॉलिसी साज हैं उनके जहन में नहीं रहा खवतीनजा इस वक्त में जाना है ब्रेक की जानब ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवालत रखेंगे अपने उलमा के सामने, हमारी फिर खुल जाएंगी ब्रेक के बाद कर चश्मा करीम -मजीद, तक के लिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान का जहन जितना भी आगे बढ़ जाए जितना भी इरतका हो जाए इमामत कुरान करीम की रहेगी कुरने करीम आज नीम के हवाले से निजाम -तालीम के हवाले से तस्वुर इलम के हवाले से क्या दर्ज दे रहा है उस पर गुफ्तु रहेगी जारी आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक खुवानों हजरात पयाम सुब में एक बार फिर खुश खुशदेव तशीफ फरमाए मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब बात हो रही है पुराने करीम के नजरिए तालीम के ताल्लुक से बहुत सारी गुफ्तु हो चुकी है टेलीफोन लाइन अब ऑन कर दी गई है हमारे टेलीफोन नंबर है जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल जीरो नाइन जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू एट जीरो सिक्स वन और ई मेल एड्रेस है पी एस एट दुनिया टीवी डॉट हमें एस एम एस भी कर सकते हैं आप मैसेज लिखें और थ्री जीरो थ्री वन पर सेंड कर दें खौन हजरात बहुत से सवाल आ रहे हैं सामने बल्कि हमने ये सोचा है कि किसी एक दिन को सवाल के लिए मखसूस कर दिया जाए क्योंकि हर प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं फिर उनमें से कुछ मंतखब सवाल हमा हम की खदत में पेश करेंगे प्रोग्राम ये बना रहे हैं कि शायद हफ्ते का दिन हम इस काम के लिए मुख्त कर दें बहरहाल एक सवाल अभी ई मेल पर हमें मौ... मौसू हुआ है बहुत अच्छा सवाल अब्दुलरहमान साहब लाहौर से हैं उन्होंने ये फरमाया है कि सवाल ये कीजिए कि आलिम का को अफजलियत हासिल है या आबित को मोहसिन नकवी साहब देखिए ये सवाल बहुत किया जाता है और इसमें हम एक बुनियादी नुकता ये बता दें कि इबादत जो है वो नबी गैर नबी सब के ऊपर अल्लाह ने वाजिब किए आलिम का काम जो है वो नियाबत नबी है जोहरिक को नहीं मिलती ये इंसान अगर समझे कि मैं आलिम हूं और इल्म को हासिल करे और कार नबूत है गोया कि जिसको आगे बढ़ाना है वो करना है तो ज़ाहिर है कि वो आलिम के जो आबद ना हो वो आलिम ही नहीं पहली बात तो ये हो गई दूसरी चीज़ ये कि किहर के आलिम की जो का रुतबा है वो इसलिए ज़्यादा है बल्कि बाज रवायात में सत्तर गुना ज़्यादा उसका वो बताया गया है कि वो कार्य नबूवत को अंजाम देता है पैगाम नबूवत को पैगाम रसालत को आगे लेकर चलने वाला और उसको अहदे मौजूद से वो मुतसिल करने, करने वाला होता है ठीक है अच्छा और आलम के ताल्लुक से सरकार तो आलम सल्ला वसल्लम फरमाते हैं कि वारसानलू में नबी है ठीक मुफ्ती साहब यही सवाल आपकी खिदमत में आलिम और आबिद ये एक, एक मिनट ये नहीं पता फरमायालमा वरसतिया के वारा अंबिया के वारिस वारे और... अंबिया के नहीं अच्छा हाँ अंबिया के वारिस हैं हाँ। और अंबिया के जरिए जो जोम आए उनको फैलाना हाँ। उनकी जिम्मेदारी हम एक बात और तो कर दें फिर मुफ्ती साहब कत कलामा कि अगर हम मौजूदा दौर के उलमा को यानी मिलत इस्लामिया के उलमा को हम कहें और ये कहें कि ये नबी करीम सलील वसल्लम के वारिस हैं तो वो चार मनासिब जो नबी करीम के कुरान में बयान किए गए और वो तालीम के ही हवाले से हैं जी हाँ मतलब वो यतलू हाँ। तो वो इन चारों में उनके वारिस हैं और इन चारों को उन्हें लेकर आगे चलना जी और उसमें क्योंकि इलम के जिक्र हुआ तो शख्सी तस्किया नफसी तस्किया और उलूम जदीद का और उलूम हाजरा का भी तस्किया ताकि लर्नर्स प्रोफाइल इंप्रूव करती रहे प्रोग्रेस प्यूरिफा, करती रहे प्योरीफाई प्योरीफाई होती, होती रहे मुफ्ती साहब यही सवाल बिल्कुल डॉक्टर साहब ने फमाया उसकी मैं तहीद करूंगा कि असल बात तो यही है कि ये बात बड़ी क्लियर है कि कुरान जिसको आलिम कह रहा है और जो मा हैं और जो इस कार नबूवत को अंजाम दे रहे हैं वारिस होने के नाते अंबिया कराम के वो तस्किया भी कर रहे हैं इलम भी फैला रहे हैं तालीम के अंदर भी मशहूल हैं तो उस आलिम का तो सोना रात आबिद की रात की इबादत से बेहतर है ठीक तो वो तो आलिम का दर्जा तो कुरान करीम खुद बयान कर रहा है वो तो यरफा लजी जो उस, उसको रफत दी गई है वो तो किसी को नहीं दी गई आलिम का दर्जा तो बहुत बड़ा है अच्छा कुछ कॉज लेते हैं जी दिलदार साहब असलकम असलम वालेकुम सर क्या हाल है खरीद जी हुकुम फरमाइए मैं अर वही जो यहाँ पे बात हुई है कि इलम जो है वो दुनियावी अगर सीखेंगे तो वो हुनर बन जाएगा जब वही किताबें नहीं होगा हुँ. तो फिर उसके लिए अल्लाह रब करीम कुरान करीम की सूरत बीस नंबर सूरत है आयत नंबर एक सौ तेईस है उस वक्त ही आदम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि जब मेरी तरफ से तुम्हें इलम आए फला या वला यक्षा जब मेरी तरफ से अदायत जो आएगी उस पर जब आप चलेंगे तो ना आप इस दुनिया में गुमराह होंगे और ना आखरत में ना मुराद होंगे लेकिन अगर इसको इसके ताबे न किया तो क्या होगा वमन आरादा जिक्री रहू मई कहूँ व नक्शर जो मल की जामाते आमा बहुत अच्छी बात अच्छा ओलमा की खिदमत में आपका सवाल क्या है नहीं मैं इसी को आगे बताना चाह रहा हूँ इलम का जो जदीद अलूम या वो जो बातें चल रही है ना जी 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 वो अल्लाह रबी करीम ने ये फरमा दिया मैं ये गर्ज कर रहा था मेरी जिक्र से जो गफलत बढ़ेगा उसकी मीशत भी मैं प्रॉब्लम बना दूंगी हाँ। और दुनिया में रहना भी मसला बन जाएगा के दिन अंदर बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात जाहिर कुरान करीम के निकात आपने बयान फरमाए अगला कॉल कॉलर जी असलम परवेज साहब वालेकुम अस्सलाम जी जी फरमाइए अनिक भाई मैं अटक से प्रवेश बोल रहा हूँ आज का मौजू जो आपने रखा है अनीक भाई अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे कि आप मतलब कि इन दोनों इस किस्म के मौजू उठा रहे हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है देखिए हमारे पुराने पाक में अलफलामीम से लेके वन नाफ तक पूरे पुरान पाक में जो है तालीम है जी बिल्कुल लेकिन हमने उस तालीम को छोड़ दिया है हम उस तालीम पे अमल नहीं कर रहे उसमें हमारे हुक्मरान भी शामिल है हमारे मुल्क के अंदर और भी ऐसे लोग है जो ये तालीमी बनाते हैं जो को को तो छोड़ है। जो वो भी शामिल है हम नहीं भाई बात कि जब तक जब तक हम पुराने पाग के ऊपर उसकी तालीम के ऊपर अमल नहीं करेंगे कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे लेकिन हमारे यहाँ मगरबदा जहन है जो हमारी तालीमी पॉलिसी बनाते हैं और हमको उस मगरब की तालीम की तरफ जो रागव करते हैं जी बिल्कुल ठीक है इस पर, इस पर हमारे, हमारे मुल्क के वो जगह मैं कहता हूं हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो लोग इस, इस मौजू की तरफ आते हैं और हम लोगों को हम अनपढ़ लोगों को अनपढ़ लोगों को हमें तालीम देते हैं कि हमारा असल जो हमारी इलम है वो कुरान पाक है यकीन बिल्कुल कुरान पाक असल इल्म है इल्म की जड़ है इल्म का सोर्स है और तमाम चीजें कुरने करीम से तमाम लूम की बुनियाद कुरान करीम है ये तो गुफ्तगु अभी आई मसला सिर्फ शायद यह है डॉक्टर साहब कि इसी बात को लेकर मैं आगे चलना चाह रहा हूं लेकिन वो सवाल मेरे जहन में है कि करिकलम कमीशन में आप रहे हैं छह साल आपने निसाब बनाया लेकिन आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं एतराफ कर रहे हैं कि नेशन बिल्डिंग कभी भी करिकलम कमीशन और तालीमी पॉलिसी साजों के जहन में नहीं रही ठीक है लेकिन अब ये बात जो इन्होंने फरमाई जहन मरूब है गुलामाना जहनीत उसके साथ हम कुरान करीम का मताल करते हैं कुरान करीम पर हमारा मुकम्मल ईमान है हर मुसलमान का लेकिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं जैसे तालीम कौन सी तालीम हासिल की जाए क्या चंद फिकलूम को जान लेने का नाम तालीम है या अनफुसो आफाक पे गिरफ्त करने का नाम तालीम है तस्खीर कायनात का दर्ज कुरानी करीम दे रहा है क्या हमारे लमा हमारे पॉलिसी साज उनके जहन में यह बात है उनके जहन में कोई बात नहीं है और हम पिछले दिनों देख रहे थे कि जो एक यौम बनाया गया कि तहकीक और रिसर्च के हवाले से तो उसमें हम यूरोप और अमेरिका वगैरह के मुख्तलिफ ममालिक को देख रहे थे कि दो सौ पंद्रह अरब डॉलर किसी ने खर्च किए एक साल में तहकीक पे किसी ने एक सौ चवालीस अरब डॉलर और मुस्लिम ममालिक का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर बजा फरमाया आपने 1.6 परसेंट है बजट का हम इस पर भी बात नहीं कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि कुरने करीम तरजीहत में शामिल है हमारी हम तो ये बात तर्ज कर रहे हैं ना कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि कुरान मजीद लारत बिन वला याबिस किताब मुबीन जी तमाम लूम का सर चश्मा ही ये है जब हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो हम हर इल में पीछे रह जाएंगे और हुक्मरानों के जहन में कुरान मजीद तिलावत के लिए है सिर्फ करत के लिए है मदरसे ऐसे खोलने के लिए है कि जहाँ उसको पढ़ाया उससे वो किया जाए लेकिन उससे अलूम का इस्तेनबाद किस तरह से होना है और उसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहिए किस तरह से वो जैसे हमने अर्ज किया कि किलूम ताबे वही नहीं है वही खुद अल अम है उसको अम बना के और उसको नेशन बिल्डिंग में और ताली निजाम के ता, को फॉर्म करने में और इसमें अगर वो किया जाए तो हमारे हुक्मरानों का तो इस तरफ कोई नहीं है।, नहीं है अच्छा इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, कुछ ले लेते हैं और आपकी बात से जो बात आ, सामने आई वो ये कि ये जो गुफ्तु हम कर रहे हैं काश ये उन लोगों तक पहुंचे कि जिन जो खुद को मुसलमान कहते हैं कहलवाना पसंद करते हैं लेकिन तरजीहत में किसी भी पॉलिसी में पॉलिसी साजी में कुरान करीम को पेश नजर नहीं रखा जाता जी असलम असलम जी जी अनेक सब बस सिर्फ दो बातें अर्ज करूंगा एक तो टाइम आपका बहुत कीमती है और दूसरा प्रोग्राम इंतहाई शानदार है मगर ये कम होता है टाइम बहुत से लोग शिरकत करना चाहते हैं उनका सर अर्ज ये कर रहा हूँ कि इलाम इकबाल साहब ने फरमाया रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तलिस असा ना हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद बे ये असा वो एजुकेशन ही है वो हुनर ही है सर देखें टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने ट्रांसफर की जमनूम से ये कहा कि मूसा ए नू कश्ती बनाओ उन्होंने फरमाया मुझे कश्ती बनाना नहीं आती फरिश्ते भेज के वो टेक्नोलॉजी सिखाई मूसा अम के हाथ में जो आसा दिया वो टेक्नोलॉजी थी जो अबराहा के लश्कर के ऊपर कंकरियां बिछाए हाँ। पर वो 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 टेक्नोलॉजी थी अगर हम सीखते नहीं है तो उसमें हमारा कसूर है जी, बहुत तो और तो दूसरा जो जो सर इल्म, इल्म की बात है वो हदीस से मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की के इल्म हासिल करो खुआ तुम्हें चीन जाना चाहे जाना पड़े आप से जरा इस पर मजीद तबसा करवाइएगा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस वक्त मौजूद है और फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ तो ये यकीनन वो टेक्नोलॉजी थी जिसको सीखने के लिए फरमाया ये दूसरे इलम भी टेक्नोलॉजी ही है और इल्म वाला हर छठी जमात पढ़ने वाले के लिए सातवीं वाला जो है इल्म वाला है अल्लाह ने फरमाया कि मैं सबसे बढ़कर वाला हूँ आठवीं वाले के लिए नौवीं वाला इल्म वाला है अगर वो दसवीं वाले की बात सुनेगा उसको समझ नहीं आएगी बहुत अच्छी बात थैंक यू सर बहुत शुक्रिया जी एक कॉल और ले लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब वाला फरमाइए अलामा ने एक शेर में इस्लामी तालीम को मुकम्मल कर दिया अच्छा वो शेर फरमाते अच्छा हैं सुबह मुझसे कहा ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल जी अल्लाह जी बिल्कुल महमिल भी हम नशी हैं हो तो मंजिल ना कर कबूल अच्छा इससे पहले की जो, जो बात सवाल आया था असा ना हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद एक एक तरीके कार होता है मोटर सॉपरेंडा जिसे हम कहते हैं कि वो होती है हिकमत अमली होती है और हिकमत अमली की बजाय अमली हिकमत होनी चाहिए हम हिकमत अमली कहकर छोड़ देते हैं लेकिन इसी पर अमा का एक शेयर और जरा सा और याद आ रहा है मुझे इस पर नहीं। नहीं। मैं चाहता हूँ उस पर बात करें बल्कि मुफ्ती साहब मैं चाहता हूं जरा इस पर आप बात कीजिए कि तेरे जमीर पर जब तक ना हो नजूल किताब गिरा कुशाह है नाराजी आ, देखें अमामा के अशार तो क्योंकि अलामा के अशार के अंदर एक सबसे अजीब बात यह थी कि डेस्टिनेशन बड़ा क्लियर था बहुत क्लियर डेस्टिनेशन था और जहन गुलामाना जहन, नहीं था देखें अमा ही के आपको उसमें मिल जाएगी ये बात कि जब इंसान महाकुमाना और गुलामाना जिंदगी गुजारता है तो वो मादियत के पैराडाइम से निकल ही नहीं पाता जी उसका जमीर मादियत के पैराडाइम से नहीं निकल पाता क्योंकि वजह उसकी ये होती है कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि सारी डिस्कशन जो हो रही हैं वो हाउ में हो रही हैं वॉट में नहीं हो रही ठीक फंसे हुए स्ट्रेटी के अंदर भाई आप मुझे ये तो बता दें जाना कहा है आप यह कहें नहीं नजीब साहब गाड़ी में बैठ जाए ये सीट ले लें यहां बैठ जाए अरे भाई नजीब साहब बैठ जाएंगे नजीब साहब ने जाना डेस्टिनेशन किधर है आप ये बताएं आपने नेशनल बिल्डिंग क्रिएट करनी है इतनी अहम बात आपने की यानी गलत सम की तरफ सफर करने से बेहतर यह है कि आदमी सही सम की तरफ मुंह करके खड़ा रहे अरे भैया वो तो हर कदम जो उठेगा वो मंजिल से एक कदम दूर, दूर ले जाएगा जाए। अब क्या हुआ आपने देखिए आप हो क्या रहा है अब हो ये रहा है कि आप एक ऐसी ऑर्फिंग जनरेशन पैदा कर रहे हैं ऐसी यतीम नस्ल पैदा कर रहे हैं जो माजरत खाना अंदाज में पाकिस्तानी के है माजरत खाना अंदाज में मुसलमान के अलवाती है बिचार और वो उसका अंदर से ऐसा नहीं है अंदर तो शजर तैयबा है अंदर तो ईमान है अंदर तो यकीन है आपने उसको जिस निशाब में बांधा है जी वो बेचारा उसमें समझ में नहीं आ रहा जो होता शजरे, जो, जो, में है जो शजरे तैयब है ये भाई, उसकी शाखों को फलने फूलने नहीं दे रहे उसको तो आप काटने के लिए बैठे हुए हो आपसे सिंपली बात कर रहा हूँ जो निसाब वाले हजरात कहा करते हैं कि भाई तो आप एलोस तो तय कर लें आप मुझे लर्निंग आउटकम्स तय करके बता दें कि आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं ठीक है अब करने के काम क्या है इस पर भी हम बात करेंगे आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हमारे एक रेगुलर गेस्ट हैं जो हज के लिए इन दिनों तशरीफ ले गए हैं मक्का मुकरमा में हैं। इस वक्त बर रास्त हमारे साथ हैं हमारी खुश नसीबी के इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं मुफ्ती साहब असल दुआ के लिए कह दीजिएगा मुफ्ती नजीब साहब और डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब आपको सलाम कह रहे हैं और आपसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं वालेकूम वरह वाले मेरी तरफ से भी इनकी खिदमत में सलाम ठीक मोर्ती साहब आपका सलाम पहुंचा आज ये फरमाइए आप आज हम बात कर रहे हैं कुरान करीम का नजरिए तालीम क्या है बहुत सारी गुफ्तु इस पर हो चुकी है अब अब हम क्योंकि आखिरी मरहल पर है आप ये फरमाइए कि क्योंकि बुनियादी गुफ्तु तस्वुराती गुफ्तु फलसफिया गुफ्तु वो तो हो गई अब ये कि हम जोड़ते हैं हालात हाजरा से करने के काम क्या है जो कुरान करीम हमारी रहनुमाई कर रहा है तरीके तालीम के लिए आज करिकलम की तैयारी के लिए नशाब तालीम बनाने के लिए और हम अपने बच्चों को कि ये ये लोग जो बड़े हमारे हमारे शाहन बच्चों को खाकबाजी का दर्ज दे रहे हैं इनको कैसे दूर रखा जाए गुजारिश ये है मैं इस वक्त बिल्कुल हरम के अंदर हूँ और खाना काबा के सामने और, और दुआ करता हूँ अल्लाह तला आपके को अपने दरबार में शरफ कबूलियत फरमाए गुजारिश सिर्फ इतनी सी कर सकता हूँ आखिरी वक्त भी आपका चल रहा है कि हमारे यहाँ इल्म का जो मफहूम समझा जाता है उसे बहुत महदूद कर दिया गया है इल्म अपने वसी माना के एतबार से सिर्फ शरा जानिब तक महदूद नहीं है सिर्फ और सिर्फ आहकाम का नमाज रोजा जकवात हज या यहाँ तक इसको समझना और इसको यहाँ तक महदूद रखना ये शराब दुरुस्त बात नहीं है पुराने करीम की कई आयात से आप वाजी तौर पर इस बात को समझ सकते हैं सूरत रूम की आयत नंबर सात

आंखों की दिल की ये सब कुवतें अता की ताकि तुम इसके जरिए से इल्म हासिल कर सको हमारे यहाँ करने का जो इस वक्त जरूरी काम है वो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीदम को कदीमियात के साथ मिला करके पढ़ाया जाए ये हमारे असरी इदारों के अंदर जरूरत है दीनी मदारस के अंदर जरूरत है कि साइंसी मालूमत को साथ में शामिल किया जाए क्योंकि कर्न करीम के अंदर जगह जगह साइंसी मालूम का तस्करा किया गया आ, अभी अभी इमाम साहब ने जो आयात पढ़ी उसमें बादलों से पानी बरसाने का और नुस्खे के करार का यानी जो साइंसी मालूम कौराने करीम के अंदर है तो कहने का मतलब ये है कि मदारस केलूम और नसाब के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के लूम को शामिल किया जाए ये जरूरी है लेकिन जब हम ये बात मदारस के हवाले से करते हैं तो दूसरी तरफ हमें स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की तरफ भी जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जरूरी उलूम जो है वो हमारे यहाँ चूंकि बहुत कम पढ़ाया जा रहा है जरूरत इस बात की इन दोनों को मिलाया जाए जब इन दोनों को मिलाया जाए तब तो हमें एक लफ कहा करता हूँ कि खानका और साइंस और टेक्नोलॉजी का सेंटर जब ये दोनों मिलेंगे तो तस्खीरे कायनात हमारे सामने जी बिल्कुल मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया दोनों को मिलाया जाए ये दोनों पहले एक ही थे यज्ञ थे ये अलग क्यों हुए ये एक बड़ा मसला जो इस्तेमार का दौर आया और ये दीनी और दुनियावी इलम की जो तफरीक है ये कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं है जदीद है। और कदीम की कोई तफरीक कुरान और हदीस के अंदर नहीं है मिस्टर और मुल्ला का कोई फर्क कुरान और हदीस के अंदर नहीं है कुरान में सिर्फ इंसानों के दरमियान में दो किस्म के फर्क हमें मिलते हैं नंबर एक फर्क मुसलमान और काफिर का और दूसरा फर्क जो हमें कुरान करीम से मिलता है वो साले और वार का यानी नाफे और गैर नाफे का बाकी ये जदीद और कदीम दीनी और दुनियावी असरी और इस तरह के लूम की कोई तफरीक और तकसीम हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलती इल्म एक जौहर है और इस लतीफ जौहर के अंदर तकसीम को तज्ज् को ये जौहर कबूल करता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे यहाँ डिफेंसिव पोजीशन पर जब से हम आए ईस्ट इंडिया कंपनी आई फिर हमने कहा कि जी किसी तरीके से दुआ हाँ, खरूत और सूर्य अखलाफ के इलम को महफूज रखा जाए हाँ, उसके बाद से ये मामला हुआ कि ये तफरी और तकसीम पैदा हुई और पैदा होते होते गहरी होती चली गई इस गहरी तफरी को तकसीम और तश्ीक और तबरीज और टुकड़े पन को खत्म करने की जरूरत है इलम वहदत का नाम है उसी वाहदत को, और जो अच्छी मिल बात दूर। हैं। बहुत अच्छी बात की कि इल्म वहदत का नाम है और ये जो बात तकसीम की बात इस तकसीम को हम गुलामी कहते हैं कि गुलामी अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये भी हो गया है कि गुलामी जो आज के हालात बता रहे हैं हमारे कि शायद हमारे मुस्तकिल हालात यही रहे हैं हालांकि ऐसा नहीं मुसलमानों ने लूम के जरिए दुनिया पर हुकूमत की मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया अच्छा यहाँ पर जो बात की मुफ्ती जुबैर साहब ने मैं चाहता हूँ इस पर जरा सी आप बात फरमाइए क्योंकि वक्त अब रह गए चार पांच मिनट हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ मैं इसमें इजाफा करता हूँ मीडिया और फाइनेंस मीडिया और फाइनेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यह चार शोबे ऐसे हैं जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जिसे हम अच्छे अल्फाज में कहते हैं जहां बानी के लिए दरकार होते हैं इन पर गुफ्तु क्यों नहीं होती आलम इस्लाम में देखिए गुफ्तु तो मैं इनकी एक बात को बस सिर्फ तईद कर दूं कि ये वाकता सही है एक बहुत आपको दो सौ साल के अंदर ही सिर्फ ये डिविल एजुकेशन सिस्टम मिलेगा वरना डिविल एजुकेशन सिस्टम का वजूद नहीं था और एक मैं आपको हजरत का मलफूज है मुफ्ती शफी साहब रहमत लाकिस्तान बनने के बाद पहला तालीमी कमीशन बना था और हजरत की बात बहुत नकल होती है हमने अपने इससे कई मरतबा ये सुनी फरमाया कहते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद कि पाकिस्तान को ना फकत अलीगढ़ की जरूरत है ना फकत देवबंद की जरूरत है पाकिस्तान को तो एक ऐसा निजाम चाहिए होगा जो इन दोनों का मजमुआ होगा और यही चीज मौजूद थी ना देखिए जिस आदमी ने ताजमहल बनाया था शराब शराजामी तक उसने भी पढ़ा था ना तो इस वक्त जो जरूरत है जो टू डूज है आपके वो ये है कि आप फौरी तौर पे इस डिविल एजुकेशन सिस्टम को जब तक खत्म नहीं करेंगे क्योंकि आप आप इन चारों पे तवज्जो दे दें जो आप कह रहे हैं चारों पे तवज्जो दी जा रही है चारों चीजें पढ़ाई जा रही हैं लेकिन वहां पर वो वही के ताबे नहीं है आपने एक ऐसा निजाम तालीम तश्कील देना है जहां ये इस चारों चीजों की अहमियत से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा है ना लेकिन वो किसी पैराडाइम के अंदर आएंगी ना देखिए आप तक ये, ये तवज्जो दी जा रही है देखिए तवज्जो आप ये मैं आप आप एक बहुत अहम इदारे से वाबस्ता हैं आप इस वक्त इस मुल्क की जो क्रीम है ना उसमें आप शामिल हैं ये बताइए कि हमारे जो मदारस हैं तौर पर यानी ओलामा क्या होते हैं ओलामा तो पावर जनरेशन करते हैं ना सोसाइटी का जी यानी सोसाइटी जिंदा रहती है ओलमा की वजह से ओलामा की मदार बिल्कुल हमारे दीनी मदारस में मीडिया फाइनेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये गुफ्तु में है अलहमदिल्ला अब तो ये चीज आ गई है कि उन्होंने अपने निसाब के अंदर मैट्रिक कंपलसरी कर दिया है मैंने इस हद तक तो कंपलसरी कर दिया है इसके बगैर तो आप शुरू ही नहीं कर सकते कोई चीज एजुकेशन ठीक। लेकिन मैं और मदारिस ने इसके अलावा तखस्सात शुरू कर दिए हैं इसके लिए स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर दिए लेकिन सबसे बड़ा दूसरी तरफ जो अलमिया है वहां इस्लामियात यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल से इस्लामियात निकालने की जो कोशिश की जा सकती थी वो तमाम कोशिशें कर ली गई ठीक है बिल्कुल सही है यह गुफ्त लेकिन तो बदारिश तो आपके वन पॉइंट फाइव परसेंट है ना ठीक है प्रॉब्लम है नाइन्टी एट परसेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो आप सिस्टम्स बना रहे हैं उन सिस्टम्स की खुदारा तखहीर की जरूरत है तजिए की जरूरत है वरना आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तस्हर की जरूरत है तो तो फाइल की जरूरत है अच्छा मैं चाह रहा था कि कंक्लूडिंग uh, रिमार्क्स आपकी तरफ से भी आ जाए लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है डॉक्टर साहब गुफ्तु आपसे होती रहेगी और आप हमारे मुस्तकिल आ, हमारे मेहमान हैं और आपसे हम सीखते रहते हैं आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया खातिन हजरात पुराने करीम का नजर तालीम तस्वुर इस पर गुफ्तु करने की कोशिश की कुछ सीखने की कोशिश की कि किस तरह हम कुरान करीम से जोड़ सकते हैं तमाम जो रहनुमाई के उसूल हैं कयामत तक वो हमें कुरान करीम से मिलते रहेंगे और कुरान करीम हमारी रहनुमाई करता रहेगा सवाल सिर्फ ये है कि बकौल अल्लामा के कि ख़ुद बदलते नहीं क़ुरान को बदल देते हैं हुए किस दर्जा फ़की हाने हरम बे असल में हम बे हो गए हैं हमने पुराने करीम को अपनी तरजीहत में शामिल उस अंदाज से नहीं रखा जो पुरान करीम का हमसे तकाज़ा है कल हम बात करेंगे पयाम सुबह में कि मुस्लिम माशरे में मसाजिद का किरदार क्या होता है क्या होना चाहिए और क्या है कल हमारे साथ होंगे मौलाना शजाउद्दीन शेख साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कल तक के लिए अनिकमद को इजाजत खुदा हाँ।